वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रणबीर कपूर, संजय दत्त एंड वाणी कपूर स्टारर शमशेरा के ऑफिशियल डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। अब कल ही के वीडियो में आपको बताए थे अपने रिव्यू वाले वीडियो में कि जितना हम प्रेडिक्शन दिए थे उससे 2-3 करोड़ खिसक लेना, क्योंकि इसका वर्ड ऑफ माउथ अब किस तरह का जाने वाला है वो हम सबको पता चल गया था। उस समय हम रिव्यू बना रहे थे, तब तक हम कोई रिव्यू देखे नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी हमको पता था कि इसके रिव्यू किस तरह के और किस तरह के मतलब नेगेटिव आएंगे, और इसलिए हम बोले थे 2-3 करोड़ खिसका लेना। लेकिन जितना मेरा प्रेडिक्शन था उससे 3 नहीं बल्कि 5 करोड़ खिसक गया है। एंड इट इज अ डिजास्टर स्टार्ट फॉर शमशेरा, फॉर अ बिग फिल्म, फॉर अ ह्यूज फिल्म। रणबीर कपूर रिटर्निंग बैक आफ्टर 4 ईयर्स, संजय दत्त मास मसाला पीरियड फिल्म, हर कुछ था इसमें। जो कि इनिशियली मतलब जब आप टीजर ट्रेलर सॉन्ग्स वगैरह देखोगे उस समय आपको एक्साइट करने के लिए काफी कुछ था इस फिल्म में, लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं गई। टिकट्स जब बुकिंग हो रहे थे एडवांस बुकिंग, उस समय भी हम एडवांस बुकिंग वाले में भी बोले थे कि पता नहीं क्या आजकल का फॉर्मूला है, क्या चाहिए पब्लिक को, क्यों नहीं खींच रही है पब्लिक को इस तरह की फिल्में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले दिन का जो कलेक्शन आया शमशेरा का 10.25 करोड़, मतलब वो ऐसे तो कहने को नंबर 5 पे है इस साल के, लेकिन इस साल कितना खराब हालत रहा है बॉलीवुड का हम सबको पता है। गंगूबाई काठियावाड़ी से भी नीचे है। गंगूबाई काठियावाड़ी तो फिर भी एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी, संजय लीला बंसाली की, आलिया भट्ट थी उसमें। उसके बाद भी उसका 10.5 करोड़ का बहुत अच्छा ओपनिंग था। और उसके बाद बाकी जितना भी फिल्म है KGF और RRR को तो छोड़ ही दो, उसके बाद भूल भुलैया जिसका 14.11 करोड़ था, उसके बाद बच्चन पांडे, उसके बाद गंगूबाई काठियावाड़ी और फिर आती है शमशेरा। सो डिजास्टर स्टार्ट कह सकते हैं। पता नहीं वायरफ का टाइम बहुत ही बुरा चल रहा है और अब कहाँ पे इसका एक समय जो वीकेंड का कलेक्शन है वो हम लोग सोच रहे थे कि भाई 60-70 करोड़ के आसपास होना चाहिए कम से कम तो, लेकिन अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है हमको 40 करोड़ भी मुश्किल लग रहा है कि वीकेंड में ये 40 करोड़ भी कमा पाएगी। और इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स येट अनदर डिजास्टर फ्रॉम बॉलीवुड। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये OTT जो वेव है उसने किस तरह से जकड़ा है और किस तरह से पकड़ा है। देखो एक तो स्टार्टिंग से ही ऑडियंस नहीं आ रही थी, टिकट्स बुक हो नहीं रहे थे एडवांस बुकिंग में, लेकिन उसके बाद भी एक वॉकिंग ऑडियंस का सहारा था। लेकिन कल जिस तरह के रिव्यू आए और हम आपको बताए भी थे कि इस तरह से लोग झपट्टा मारेंगे इस फिल्म पे, देखो जितना बताया जा रहा है, जितना नेगेटिविटी, जितना बैशिंग, जितना ट्रोलिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है, उतनी फिल्म बेकार है नहीं। हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि ठीक ठाक डिसेंट एवरेज फिल्म है जिसको आप एक बार जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो, फॉर द परफॉर्मेंसेज, फॉर द सिनेमेटोग्राफी, फॉर द म्यूजिक, आप एक बार जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो इस फिल्म को। लेकिन जिस लेवल पे इसका बैशिंग हो रहा है, देखो अगर कोई भी रिव्यूअर आपको सिर्फ और सिर्फ खराब बोल रहा है फिल्म के बारे में तो रन, सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोल रहा है तो भी रन अवे फ्रॉम देयर, क्योंकि रिव्यूअर का काम होता है आपको अच्छा बुरा दोनों बताना। बहुत कम फिल्में बेरिंग एक दो फिल्में ऐसी होती हैं जिसके बारे में या तो सब अच्छा ही होगा या तो सब बुरा ही होगा, अदरवाइज आपको दोनों अच्छे बुरे दोनों बात बताने होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वन डायमेंशनली चल रहा है सारा का सारा, नेगेटिव में जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से कुछ महीने बाद जब ये OTT पे आ जाएगी उसके बाद फिर लोग देख लेंगे ज्यादा ज्यादा, तो हो सकता है कि कहीं ये ना हो कि यार इसको थिएटर में देखते तो ज्यादा मजा आता, ये थॉट आ सकता है। सो बस हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आपका मन है किसी फिल्म को देखने जाने का और आप रिव्यूज वगैरह ये सब खाली देख के आप सोच रहे हो, तो आप डेफिनेटली शमशेरा को एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हो। बाकी तो कलेक्शंस अब किस तरह के आने वाले हैं, कल हमको लग रहा है कि कोई ज़्यादा राइज होता दिख नहीं रहा है, 11 करोड़ 11.5 करोड़ ही होने वाला है। सो जिस तरह का सम्राट पृथ्वीराज चौहान का था उसी तरह का कहानी फिर से शमशेरा के साथ होने वाला, और ये भी एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली हमको बिल्कुल नहीं उम्मीद था कि रणबीर कपूर की फिल्म, एक इस लेवल की फिल्म, उसको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। सो इट ब्रेक्स माई हार्ट, लेकिन इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, ये पब्लिक है, पब्लिक का यही ये है, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। सो फिलहाल यही था बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे वन शमशेरा 10.25 करोड़। कल के कलेक्शन कितने आ सकते हैं आप जरूर बताना, और शमशेरा अगर आपने देखी है तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए तो आपसे मिस नहीं हो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।